But the spring never came, nor the summer. The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. He is too selfish, she said. So it was always winter there. And the north wind and the hail and the snow danced about the trees. One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be most beautiful music in the world. Then the hare stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. What did he see? He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see, there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads. The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. Only in one corner it was still winter. It was the farthest corner of the garden, and it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and the poor tree was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. Climb up, little boy said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too thin. So, प्यारे बच्चों, जब giant ये सोच रहा है कि अभी तक spring का season क्यों नहीं आया, बाहर का मौसम क्यों नहीं आया, तो हैरत में, लेकिन उसे फिर उम्मीद है कि बाहर का मौसम आएगा। अब बाहर का मौसम तो नहीं आया, लेकिन आया भी तो ऐसे कि गार्डन के बाहर हर तरफ दरख्तों पर फल लगे, फूल लगे, बाहर आई, खुशगवार मौसम हो गया, लेकिन सिर्फ गार्डन में जो है तो बाहर का मौसम नहीं आया, बाहर गार्डन में नहीं आया। अब एक वक्त ऐसे आया कि सुबह सुबह का वक्त था और जाइंट जो था वो अपने कैसल में आराम कर रहा था, आराम से लेटा हुआ था, लेकिन वो जागा हुआ था, और अचानक उसे बाहर से किसी के गाने की आवाज़ आई। उसे लगा कि कोई म्यूजिशियंस है राजा के जो बाहर गा रहे हैं, और फिर उसने जब उठकर बाहर झांक कर देखा तो वहाँ पर एक लिनेट, एक परिंदा गीत गा रहा, बड़ा ही प्यारा गीत वो परिंदा गा रहा, और उस परिंदे का वो गीत उस जाइंट को इतना खूबसूरत लगा जैसे दुनिया में अभी तक ऐसा गीत उसने नहीं सुना। उसके बाद जो परिंदे थे उनके चहचहाने की इस आवाज़ से उसे कहीं पर थोड़ा एहसास हो गया कि बाहर का मौसम तक आ जाना चाहिए। फिर एक वक्त ऐसे हुआ कि उसने देखा
गार्डन में बच्चे खेलते हुए उसको नजर आए। अभी वो कैसल में है, कैसल में से उसके गार्डन में नजर दौड़ा है। तो गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं, कूदते हैं, फिर दरख्तों की शाखों पर झूला झूल रहे हैं, और दरख्त भी जो है तो अपनी शाखों को बच्चों तक झुका रहे हैं। दरख्तों पर परिंदे भी चहचहा रहे हैं। ये सारा मंजर उसको बाहर नजर आया। इसका ये मतलब हुआ कि जिस वक्त वो जाए अंदर कैसल में बैठा हुआ था, तो बच्चे उसी दौरान में बच्चे अंदर आ गए और वो खेलने कूदने लग गए, और बच्चों के खेलने की वजह से वहां पर बाहर का मौसम आ गया। तो अब यहाँ पर जब बाहर का मौसम आया तो वो जो फ्रॉस्ट थी, उसके बाद जो हेल थी, वो भी चले गए थे, क्योंकि उनका जो था मज़ा वो अब खराब हो गया था कि अब बच्चे वहां पर आ गए। इस तरीके से जो है तो यहाँ पर बच्चों के खेलने की वजह से बाहर आई, लेकिन एक कोना अब भी गार्डन का ऐसा था जहाँ पर अभी तक विंटर है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक बच्चा, छोटा सा बच्चा वहां पर जो है तो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत छोटा होने की वजह से ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। इसकी वजह से, और वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, लेकिन जो दरख्त था वो भी अपनी शाखों को जितना नीचे तक झुका सकता था वो झुका रहा था, लेकिन बच्चा उस शाख तक पहुंच नहीं पा रहा। तो सिर्फ वही एक इलाका ऐसा था, वही एक दरख्त का कॉर्नर, वही गार्डन का ऐसा था जहां पर अभी तक बाहर का मौसम नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्यों? बच्चा दरख्त पर चढ़ नहीं पा रहा था, कि बहुत छोटा था। ठीक है स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम मजीद तफसील समझने की कोशिश करेंगे।